हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद फाइनली मैं वापस आ गया और आज हम लोग जो व्लॉगिंग बना रहे हैं वो पालघर में बना रहे हैं और मैं अपने फैमिली के साथ हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ। ये ड्राइव कर रहे हैं संदीप और पीछे नीतू, गोलू और तनिष का। तो हम लोग अभी आज और कल पालघर के आसपास ही घूमेंगे और आपको नई नई जगह दिखाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं पालघर के शेरगांव बीच पे। ये नया ही बना है बीच, पहले यहाँ पे केलवा बीच था जो कि अभी भी काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। बट ये न्यूली डेवलप है, लास्ट कुछ 8-10 साल में ये बीच डेवलप हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया है और ये हमें ये पीछे आप किला देख रहे हैं, किले पे भी जाएंगे थोड़ी देर में, पहले बीच घूम कर आते हैं। कौन सा किला है ये? कैसे बोल रहे हो, चेक पोस्ट टाइप में थे ना? हाँ, वो शिप वगैरह के ऊपर निगरानी के लिए पहले रहता था। तो बढ़ते हैं आगे बीच की तरफ। अभी नहीं थी ना, बोलो तीनों ही। बोलो आजा, तेरे को हीरो बनाता आज। ये हमारा गोलू बहुत शांत शांत रहता है, इसको आज हीरो बनाते हैं हम लोग। क्यों, हीरो बनेगा? ना। नहीं ना। चल तेरे को आज हीरो बना ही डालते हैं। ये पहली झलक शेरगांव बीच की। सो ये रहा शेरगांव बीच और काफी क्लीन किया है पहले की कंपनी, जब मैं काफी आता जाता रहता था तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, काफी क्लीन कर दिया है। ये देखिए दौड़ा ना अच्छे से, जाओ राजस्थान देख। तो भी बात में भेजा। हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारा शेरगांव बीच घूम के हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम लोग किले पे जाएंगे और फिर वहाँ से आगे हम लोग जाएंगे शीतला देवी मंदिर और फिर केलवे बीच जो यहाँ का सबसे पुराना और फेमस बीच है। मतलब ये बीच ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी भीड़ कम है और क्लीनलीनेस ज़्यादा है, वो कमर्शियल हो चुका है तो वहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड लगता है, तो मुझे तो यहीं पर पसंद आता है। बट ठीक है, अभी फ्रेंड आया मेरा संदीप, इसको आप लोग अलीबाग वाले वीडियो में मिल चुके हैं, तो इसको मैं पालघर घुमाने ले आया हूँ और घुमाएंगे पालघर के आसपास। बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अभी ये जो आपको किला दिख रहा है वो किले को आपने सरबजीत मूवी में देखा होगा। एक्चुअली ये किला लगभग खंडर बन चुका था, बिल्कुल ही साफ़ सफाई नहीं थी, कोई अंदर आता जाता नहीं था। बट जो सरबजीत मूवी की शूटिंग हुई तो उस शूटिंग के वजह से इसको साफ़ किया गया और तब से फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको मेंटेन करना शुरू किया और अभी मेंटेन है। तो अभी हम लोग आपको
वहाँ जाएंगे और आगे साइड से एंट्री लेके आपको मैं किला दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग इसके एंट्री पे आ गए हैं इस किले के, जो मैं आपको बैक साइड से दिखा रहा था। तो अभी चलते हैं किले की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी गंदा हुआ करता था इस टाइम में। यहाँ पे बुशेस वगैरह सब जमा हो गए थे, क्लीनलीनेस बिल्कुल नहीं था। बट सरबजीत मूवी के शूटिंग के बाद से साफ़ सफाई रहने लगी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसे मेंटेन करने लगा। सो फ्रेंड्स, ये अंदर आ गए हम लोग किले में। देखिए, अभी रिसेंटली इसे इस पर काफ़ी काम किया गया। ये देखिए, ये तो बनाए लोगों ने, इधर के लड़के लोग साफ किया था पूरा, इधर झाड़ लग गया था ना। तो मैंने आपको किला पहले वहां से दिखाया था, पार्किंग से। देखिए, हमारी गाड़ी खड़ी है वहां पे, और यहाँ का ये प्लेग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड। ये भी क्रिकेट ग्राउंड है, और सामने की तरफ बीच, और यहाँ पे सबका फोटो सेशन चालू है। सभी लोग फोटो सेशन कर रहे हैं इधर से गरम, और बंदूकें, और हमारे हमारे आज के हीरो, आज के हीरो हीरो से मिलवाते हैं हम। और हमारा हीरो गोलू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और तनिषा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तनिषा को। तनिषा किसी को मिस कर रही है? भैया को, भैया को मिस कर रही है आज। कोई बात नहीं, हम लोग वापस आएंगे भैया के साथ। ओके। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग किले के एकदम टॉप पे हैं। भाई अंदर हो जा थोड़ा, वो इतना वेट रहता है ना। देखिए, और शेरगांव दिख रहा है पूरा, और वो हमारी गाड़ी पार्क है। यहाँ से देखिए अभी सनसेट का व्यू, और आपको समुद्र का भी नज़ारा दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, वाह, अभी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा है, जैसा कि आप देख पाएंगे नीचे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग शीतला माता मंदिर के पास आए, बट अभी हम लोग यहाँ अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बीच पे जा रहे हैं। ये केलवा बीच है आगे, तो बीच से हम लोग सनसेट व्यू लेकर और उसके बाद वापस आएंगे, तब हम लोग मंदिर दर्शन करेंगे। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे बीच की तरफ। तनिष्का काफ़ी इंजॉय कर रही है ना, तनिष्का एकदम हाँ। फुल मज़े कर रही। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये बीच, मतलब इस एरिया का पहला बीच है, और काफ़ी कमर्शियल हो चुका है। तो यहाँ पे आप भीड़ और स्टॉल्स सब ज़्यादा देखेंगे कंपेयर टू शेरगांव बीच, जो कि न्यूली डेवलप्ड है। बट सुकून वहीं मिलता है। अगर आपको भीड़ में पसंद है, कुछ एक्टिविटीज़ करना है, तो केलवा बीच पे आइए, और अगर आपको शांति चाहिए तो फिर आप शेरगांव बीच पर चलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बीच की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सनसेट हो गया, शायद हमें सनसेट देखने को नहीं मिलेगा। अपन उधर ना सुबह जाना चाहिए था, इधर आप भी 4 बजे इधर ही आना चाहिए था डायरेक्टली, है ना? हाँ, वो कर सकते थे। सो सनसेट हो रहा है, सो देखते हैं हमारा लक। ओ माय गॉड, इसलिए भाग रही थी। तो देखिए सनसेट। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बीच से घूम कर आ गए, और अब हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर। अब मुझे टाइम भी नहीं पता कि मंदिर अभी क्लोज होगा,
या फिर चालू होगा, पर देखेंगे। अगर चालू होगा तो दर्शन कर लेंगे अभी, और अगर नहीं तो कल सुबह आएंगे हम लोग। यही है बगल में, आप देख सकते हैं कंपाउंड की उस तरफ, बट आगे से एंट्री है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा डाउट था, मंदिर जल्दी बंद हो गया तो हम मंदिर नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, हम कल वापस आएंगे सुबह यहाँ पर और कल सुबह दर्शन करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ और वहाँ पे हम लोग पहले डिनर करेंगे और डिनर करके और उसके बाद घर जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर में आ गए फिर से और अभी हम लोग डिनर करेंगे। तो अभी हम ये रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ का काफ़ी पॉपुलर चाइनीज़ रेस्टोरेंट है मंच, देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ जाएंगे और यहीं पे डिनर करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम घर आ गए, अब आज रेस्ट करेंगे। आज हम लोग शीतला देवी मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए बिकॉज वो बंद हो चुका था, तो अब हम सुबह वहाँ जाएंगे और आशापुरी टेम्पल है जो कि समुद्र के बीच में है, वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।